जिनमें से 166 की रिपोर्ट अभी प्राप्त हो गई है, उनमें से कुल 6 पॉजिटिव हैं, एक पहले था, 5 आज पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव सैंपल्स जो भी हैं वो सभी एक ही जो हमारा ग्राम पंचायत बासनी है वहाँ के हैं, और अधिकांशतया उनमें से लगभग बासनी में भी 200 से 250 मीटर का जो एरिया है उसी के बीच के लोग हैं ये अधिकांश रहने वाले। अधिकांश जो फर्स्ट हमारा पॉजिटिव आया था उससे रिलेटेड जो लोग थे उनके चूँकि छंटनी करके और उनके सैंपल वगैरह लेने की कार्रवाई कंप्लीट कर ली थी, उनमें से अधिकांश के रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो लास्ट पैच में जो 10 लोग बचे थे उनकी रिपोर्ट जिनकी कल हमने भिजवाई थी वो कल तक आनी शेष है, बाकी सबकी आ चुकी है। इनमें से 4 वो हैं जो किसी न किसी रूप में जो पहले पॉजिटिव आया था उसी से कनेक्टेड हैं। एक ज़रूर इस प्रकार से एक बच्ची है जिसका जो कनेक्शन है वो थोड़ा, हालांकि है तो घर तो उसका भी उसी के ही 8-10 मीटर के गैप में है, तो मे बी पॉसिबल है कि आते जाते कोई उनके यहाँ संपर्क में आने से लगा हो, और या कोई अन्यत्र, तो उसके लिए डिटेलिंग की कार्रवाई जारी है। दूर से दूर तक जितने लोग हम छटनी कर सकते हैं उन सबका लिस्टिंग करके और जितने अधिक से अधिक लोगों के हम सैंपल ले सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो संभावना हो उसको और आगे तक सीमित किया जा सके, ये कार्रवाई ऑलरेडी जारी है। जो शेष व्यक्ति जिनके की सैंपल नेगेटिव आए थे उनको क्वारंटाइन में अलग अलग सबको रख दिया गया है और वर्तमान में सब वहाँ क्वारंटाइन के अंदर हैं। बाकी और जी के लोग, पुलिस की, मेडिकल डिपार्टमेंट की, हम सब की तो मजबूरी है कि हम सबको तो दूसरों का ध्यान रखने के लिए बाहर आना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की तो कोई बाकी जनता की तो मजबूरी नहीं है, फिर वो क्यों बार बार बाहर आकर के खुद के जीवन को संकट में डाल रही है और हम सबका काम बढ़ा रही है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा पुनः सबसे अनुरोध है, और कोई भी आपके अगर बाहर व्यक्ति है उसको लाने का प्रयास ना करें, चोरी छुपे प्रयास ना करें, आप उसको बीमारी कहीं ना कहीं से दिलवा करके लाएंगे तो 30-40 लोगों में होकर के आएगा, अकेला तो कोई आ नहीं पा रहा, तो किसी 10 और ऐसे लोगों के साथ बैठ करके आएगा जो ऑलरेडी उनमें से हो सकता है कोई एक भी संक्रमित हो, तो वो 50 लोगों को और करके लाएगा, हमारे ज़िले को समस्याओं में डालेगा। तो ऐसा प्रयास अब ना करें, जो जहाँ है वहाँ रहें, ऐसी कोई आफत नहीं लग रही है, किसी को कोई समस्या है जरा सी भी हमें फ़ोन के ऊपर बताएं, कहीं खाने की समस्या है, कहीं दूसरी समस्या है, आपके परिवार वालों को बताएं, वो हमें तुरंत बताते हैं, हम हाईएस्ट लेवल तक दूसरी गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं उनको, और लगातार हमारी टीम फिर उनके टच में रहती है कि अब बताओ तुम्हारी समस्या का निराकरण हुआ कि नहीं हुआ। जो बाहर के राज्यों में यहाँ के निवासी अपनी परेशानियाँ, आज मेरे पास 2 जगह से आ गए फ़ोन, एक हैदराबाद से तो सर के पास आया, उन्होंने फिर इन्होंने और हमने वहाँ के उनको अधिकारियों को लिखा, एक मेरे पास डायरेक्टली फ़ोन आ गया खीमसर के कुछ लोग कर्नाटक में, उनके पास कुछ समस्या आ रही थी, उनका भी आगे अधिकारियों से बात करके उनको डील करने के लिए कहा है। तो हर लेवल पे मदद का जो काम है यहाँ बैठे बैठे सबके लिए किया जा रहा है, और इतना संभव वहाँ भी उनके अधिकारियों की भी जैसे नॉलेज में कोई चीज़ आती है तो वो लोग भी प्रॉम्प्टली हमें डायरेक्ट लोग फ़ोन कर रहे हैं। सिवनी से कलेक्टर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उनके कुछ लोग हैं जिनकी की समस्या मकराना के अंदर है, मैंने तुरंत मेरे DSO को SDO को दोनों को भेजा कि देखो, तो वास्तव में कोई समस्या नहीं थी, समस्या यही थी उनकी की जाना चाहते हैं, बाकी खाने पीने की कहने कोई समस्या है उनकी नहीं थी। सर ये भी बता दो सर, जिनको पास इश्यू कर रखा है वो पास का मिस यूज करके जैसे दिन में घूमते रहते हैं, उनको शाम उनको तो भी शक्ति होनी चाहिए, खाना बांटने का पास है और वो दिन में घूम रहे, वो कोई बहुत बुरी शहरी नहीं कर रहे, हम से उनका पास चेक करेंगे, सब्जी वाले का पास है, खाद्य सामग्री वितरण का पास है, तो उनको थोड़ी सी सख्ती हो जाएगी। देखिए जो हमारे मैं तो ओपनली ये कहूँगा कि जो किसी न किसी रूप में हमारे सहयोग में लगे हुए हैं, विशेष तौर पर वो भामाशाह जो कि हमारे किसी न किसी सहयोग में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनको तो कल मैं खुद ही पर्सनल बुला के और उनसे बात करूँगा कि अनावश्यक रूप से उनमें से खुद का भी जीवन संकट में डाल रहे हैं ना डालें, मिनिमम वो रखें,
लेकिन इसके अलावा जो व्यक्ति हैं जिनको कि हमने किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए पास जारी किया था, चाहे वो सब्जी विक्रेता हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कोई और हो, वो अपने उस पर्पज के अलावा अगर एक बार भी पकड़ा गया तो हम उसका पास कैंसिल करके उसको घर बैठा देंगे और उसकी जो संस्थान है उसको अपने नियंत्रण में लेते हुए और उस पर कार्रवाई शुरू। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है अभी। सर, मालिक सब्जी के जो पास आपने वितरित किए उसके अलावा ही नागौर शहर में उससे ज़्यादा लोग ऐसे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे।